अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल पाकिस्तानी बंगाल रिएक्शंस। गाइस माय नेम इज हसन नासिर एंड आई एम मोहम्मद लतीफ एंड टुडेस वीडियो टाइटल इज लाइफ ऑफ इंडियन गर्ल इन बांग्लादेश। और एमबीबीएस की स्टूडेंट है यार ये, मेडिकल स्टूडेंट, अ डे इन द लाइफ ऑफ मेडिकल स्टूडेंट ड्यूरिंग प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। ठीक है जी, फाइनल प्रूफ भी कहा जाता है। ठीक है, इसे प्रूफ कहते हैं जी। हमारा भी प्रूफ होने वाला है कुछ दिनों में, दुआ करें गाइस, दुआ करें। विद इन 20-25 डेज मेरा प्रूफ है, आपकी दुआओं की अपील है और उम्मीद है फ्यूचर में भी आप हमारा साथ जरूर देंगे, जरूर देंगे। ना तो अच्छा, इस अब ये जो स्टूडेंट है ये इंडियन है सन, एग्जैक्टली। ठीक, और ये बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब इनका फाइनल प्रूफ डायरी है, इसका मतलब ये है कि ये फाइनल ईयर में इनका लास्ट ईयर है और इनका प्रूफ है। और ये मेकअप करवा रही हैं क्या कर रही हैं ये पता नहीं क्या करवा रही है, तो वीडियो में जाकर वीडियो जाके, और वीडियो का टाइटल है लाइफ ऑफ इंडियन गर्ल इन बांग्लादेश। ठीक है गाइस, हम वीडियो के दरमियान भी, दौरान भी, ड्यूरिंग द मतलब वीडियो हम कमेंट्री भी करते हैं गाइस, जरूर सुना करें, काफी इंटरटेनिंग होती है, हम एंजॉय करते हैं, आप लोग भी हमें देखकर पूरी उम्मीद एंजॉय करते होंगे। तो लास्ट तक आप लोगों ने हमारे साथ बने रहना, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले गाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3-2-1 स्टार्ट। अच्छा, प्रिपरेशंस कर रही हैं वो। ठीक है यार, ये कोई मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे ना अंदर। ओके, ये तो क्लास के अंदर बैठ गए। प्रैक्टिकल कर रहे हैं बारिश हो रही है जी, जबरदस्त। हाँ, टोयोटा क्रोला की गाड़ी और यहाँ बारिश हो रही है, क्या सीन है वहाँ। बारिश में आपकी वाइब बड़ी अच्छी आती है, जबरदस्त, आपको सुकून मिलता है, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। नमाज पढ़ रहे थे भाई साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है जी इंडियन गर्ल इन बांग्लादेश, MBBS करने आई हुई जी, और प्रोफ चलने लगा है। क्या है? ओ, साथ में आपको स्नैक्स भी मिलेंगे। ये सामने फ्लैट्स हैं वहाँ। कहाँ पे? ये सामने सारी फ्लैट्स हैं। आओ मैंडी, हम दोनों चाय पीते हैं, पता ही मैंडी है। सेम ऐसे कप्स में हम कोयटा में चाय पीते हैं। अच्छा, सेम ऐसे कप्स होते हैं। सही सही। अच्छा, ये चिल करने आई है बाहर, है ना, बारिश थम गई है। अरे गोल गप्पे यार, क्या गोल गप्पे, ये पाकिस्तानी यहाँ पर ना लुक देती है इस चीज़ में। ये खीरा डाला हुआ था। मैंडी मैंडी कैसे निकाल दो? मैंडी पासवर्ड बताओ अपने पासवर्ड बताओ, हम भी निकाल देंगे। मतलब बैंक ऐसा, सिटी बैंक, सिटी बैंक बहुत बड़ा बैंक है ढाका में। अच्छा, उनकी सबसे बड़ी बिल्डिंग है ना। और पर्स के ऊपर यूएसए के झंडे लगाए हुए हैं मैडम ने, यूएसए लगता है ज्यादा पसंद है। मे भी हो सकता है, नहीं इंडियन गर्ल थी, मैंडी नहीं थी। हाँ वो थी। वैसे ये क्या हो रहा है सर? ये क्या है, तीसरा डाई भी है कुछ, क्या है ये? जो भी है कमाल का है यार, चावल, बॉइल्ड चावल। अच्छा, बॉइल्ड चावल है। ऊपर उनको डाल रहे हैं, पता है मटन डाल रहे हैं, चांपे डाल रहे हैं मटन। हाँ, साथ में ये क्या, बोतल में मिल्क है, रायता, रायता हो, मेडिकल स्टोर है ऐसी। ये क्या दिखा रही हैं सामने? ये दवाइयां है यार, केस नीचे भी। इधर भी मिलते हैं गाइस, इंटरनेशनल है।
ये वेरिएंट नहीं मिलता है। अरे ये तो टक्का 25 के ही है मंडी। मंडी साथ ही है जी। अरे ये यहीं के है ना, ये इंडिया वाले महंगे हैं। इंडिया वाले महंगे हैं। अच्छा इंडिया वाले भी वहां ब्लेज जाते हैं। ये कितने का है? ये 50 का। यही ले दे। और ये फेवरेट है तेरा 20 वाला, ये भी 50 का है। हमारे यहाँ पे 100 रुपए बनेंगे। बंदा था उन्होंने हमें, वो इंडियन है ना, 20 रुपए 20 रुपए डिस्काउंट दिया बिना बोले। ये फार्मेसी है, बहुत अच्छी है, बिना बोले ही 20 रुपए का डिस्काउंट भी दे रही है भाई। दे देते हैं ना मेडिकल स्टोर जो ज्यादा चलते हैं जी। आइसक्रीम ये गर्ल्स की फेवरेट होती है चीज। अच्छा इसका उस तरफ एक्सल यहाँ भी है, इंटरनेशनल है सारे। मतलब देखो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानी लुक आता है इस चीज़ में। देखिए पोपर्स, डेटोस, पटेटो गुनगुना रही है जी। एप्पल यार आज ये मेरे ख्याल से मंथली ग्रोसरी सारा कुछ लेके जाएंगे। मैंडी ने पैसे तो नहीं निकाल लिए क्या? प्रूफ आने वाला है हसन, फिर आप बाहर नहीं निकलेंगे। अच्छा ये ऐसे होते हैं आपके भी सीन क्या? सारे इकट्ठे मांस में ले जाती हैं गर्ल्स। आगे एक और दो हाय हाय चुनके डाल रहे हैं उसने। क्या लड़कियां आई हैं और यहां इनका तो चुनके डालूंगा। यहां पे पॉलिथीन ज्यादा यूज नहीं करते, कागज यूज करते हैं। अच्छा वो अच्छा, मतलब कागज की यूज करते हैं जैसे हमारे इस्लामाबाद के अंदर। अच्छी बात है यार ये। और कैंट्स के अंदर भी ऐसे ही है ये क्या? अरे सिटी स्कैन का रेट देखा, हॉस्पिटल होगा ना। मम्मी बेटा कितनी देखो, नैनू के चोट लगी है। क्या हुआ ऐसे? इधर हेड फॉरहेड पता है, ये लगता नहीं किसी ने ऐसे बिल्ली ने मारा है पता। इससे बैठा भी नहीं जा रहा, ये देखो पैर पे लगी हुई है पूरी बॉडी। फाइट करके आई लगता, भाग गया था ये। और फिर उसके बाद बिल्लियों ने पकड़ के इसे पीटा। मेल है? हाँ मैं बेटे। साल बिल्लियों ने मार दिया यार, बहुत कर लिया था खुद ही अपनी। ये देखो अभी भी ना अपनी चोट चाट चाट के खुद ही करते जा रहा है। नहीं मैं बेटे और मैं बेटो चला भी नहीं जा रहा इससे। और पता है इसकी पूरी बॉडी पे ना ऐसे ऐसे स्क्रैचेस है, ऐसे जैसे बिल्ली यूं मारती है ना यूं करके, वो भी फर की वजह से दिखने। बिल्ली ने यार इसके जुल्म कर दिया। ये कैसा हमला किया यार इस पे। लो जी तुझे लेके आई थी खाने के लिए ना, बॉइल्ड राइस के साथ। तो हे गाइस मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो इस वजह से स्टडीज का तो बर्डन होता है हमारा। आदम भाग गए तो इसलिए मैंने वीडियो बना ली। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मैंडी की आवाज आ रही, सब्सक्राइब करें। क्या है फॉलो करना मेरे को इंस्टाग्राम। सुन लिया मैंडी की बात। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे सेफ स्टे हेल्दी। So guys, good luck for the examination. आपको भी गुड लक हो गाइस। यहाँ भी प्रोफ वाला बंदा बैठा है, यहाँ भी बंदी प्रोफ वाली है आमने सामने। So guys, अमाद बताएं प्रोफ के वाले से। पता कि मैंडी भी इंडिया से आई होगी या बांग्लादेश की होंगी। अगर बांग्लादेश की है तो मैं कहता हूँ यार एक बहुत अच्छा कल्चर है, मतलब इस तरह के जो एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं। एक्सेंट जो लग रहा था वो काफी अच्छा था। हाँ लेकिन ओल्ड ढाका से भी हो सकती है। हाँ, और जहाँ से भी होंगे मतलब ये काफी अच्छा हसन है। एक वो वाइब नहीं आती होगी कि दो कंट्रीज के लोग एक रूम में रह रहे हैं और हर चीज को एंजॉय कर रहे होंगे, छोटी छोटी चीजों को शेयर कर रहे होंगे। बड़ा मजा आता होगा यार इस तरह। जबरदस्त सीन, काफी अच्छा लगा। और आप प्रोफ के बारे में बताएं कैसा होता है सीन। सर प्रोफ हो रहे हो ना, ये एनुअल जो है ना सिस्टम होता है, एक साल बाद आपका प्रोफ होता है ठीक है ना। अभी मेरे जो है ना मतलब 5 ईयर का MBBS होता है, तो इनका मेरे ख्याल फाइनल ईयर का शायद लिखा हुआ था, पता नहीं क्या था। अब ये फाइनल लिखा था प्रोफ, इसका मतलब होगा शायद यहाँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के, मुझे कहूँगी ये फाइनल ईयर की लग नहीं रही। तो इन्होंने फाइनल प्रोफ लिखा हुआ था, इसका मतलब फाइनल ईयर में ये नहीं है, किसी भी क्लास में होंगी। तो काफ़ी स्ट्रेस वाला ये हसन इन्वायरमेंट होता है, लोग जो है ना पागल हो जाते हैं कई जो है ना प्रोफ के अंदर ही, गोलियाँ खाते हैं और जो है ना इस तरह के इशूज़ क्रिएट हो जाते हैं। तो बहुत एक जो है ना डिप्रेसिंग इन्वायरमेंट होता है। पता नहीं इन्होंने कैसे वीडियो बना ली। टैकल कैसे करते हो यार? सर बस अल्लाह पे तवक्कल करना होता है, अल्लाह से दुआएं करनी होती हैं कि बस जो है ना कामयाबी मिले। अच्छा दूसरी बात मैंने देखा यार, ये ग्रोसरी जब ले रही थी काफी ज्यादा ले रही थी, क्वांटिटी में ले रही थी। आप लोग भी ऐसे करते हो क्या? बॉयज का ये इशू नहीं होता हसन, बॉयज का ये होता है कि हर जो है ना सुबह शाम सामने मार्केट होती है, बाहर निकलते हैं ले जाते हैं।
गर्ल्स हॉस्टल का इशू होता है क्योंकि गर्ल्स ज़्यादा बाहर नहीं ना निकलते, हम तो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद चले जाते हैं। हाँ ये तो है, हम तो 5 दिन निकल बारी ऐसे निकल जाते हैं, खाना खाने के लिए हम बाहर रेस्टोरेंट्स में घूमते फिरते रहते हैं। गर्ल्स खाना भी खुद बनाती हैं मोस्टली, फिर हॉस्टल में रहती हैं, ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, तो जो प्रॉफ डेज आते हैं उनके लिए ज़्यादा जो है ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो एक ही दफ़ा जाके जो उन्होंने लेना है। हमारे भी यहाँ पे मोस्टली गर्ल्स ऐसे ही करती हैं, काफ़ी शॉपिंग कर ली, आ गए चलो जी अब जो है ना प्रूफ का सारा सीन तैयार हो गया। अच्छा अब प्रूफ की तैयारी शुरू जी। अच्छा, अब बात करते हैं लेस के बारे में। रेस लेस, अच्छा लेस के बारे में। अच्छा इंडियन लेस और बांग्लादेशी लेस में अच्छा वहाँ पे डिफरेंट है, इम्पोर्ट होता है, टैक्स लगता है ना वहाँ। 50 टकाज का जो था लेस मेरे ख्याल में यहाँ पर भी वो 20 और 50 का रेट दो थे, 20 का था एक 50 का था। उन्होंने बताया जो इंडिया वाला लेस है वो महंगा है, जो बांग्लादेशी है वो कम प्राइस में है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ से भी बन के आ रहा है। हमारे इंडिया से बन के नहीं आता, हमारा पाकिस्तान में जो बनता है वही बनता है, लेकिन मुझे लगा शायद पाकिस्तान में प्राइस और से कम है इनसे, क्योंकि हमारा जो 50 का पैकेट है वो उतना ही लार्ज होता है जितना इतना 50 का इनका लार्ज था, ठीक है ना, तो हमारे वो बनता है 100 रुपीज़ जैसे। हाँ लेकिन हमें फिर भी सेम जो है ना अमाउंट का 50 रुपीज़ में ही मिल जाता है, तो शायद लेस आई थिंक ये यूनिलीवर जो है मल्टीनेशनल कंपनी है, इसके काफ़ी कंट्रीज में आई थिंक बांग्लादेश में शायद हो, मे बी होगा, ज़रूर होगा। हाँ। इसलिए वहाँ बांग्लादेश में भी लेस बन रही है ना, इंडिया में भी बन रही है, तो मुझे शायद लगा शायद लेस के मामले में पाकिस्तान कुछ सस्ता है। ठीक है, यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं, काफ़ी वीडियो में मज़ा आया, देखा मैंने कि यार कैसी ये सिचुएशन होती है जब प्रूफ हो रहा होता है। ये लड़की के तासरा से हमें पता लग रहा था कि काफ़ी ये टेंशन डिप्रेशन थी, थोड़े लास्ट में उन्होंने थोड़ा शेयर किया कि यार हमारे लिए दुआ कीजिएगा। तो गाइस अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।